इससे बड़ी कोई गाड़ी है, इससे बड़ा ब्रांड या वैल्यू या गाड़ी? इसपे बड़े तगड़े व्यूज आते हैं भाई, लेकिन वही बात है, मानसून का टाइम है यहाँ पे आने का। भाई केव्स तो बंद है, बट यहाँ से ये व्यू है, देखो सनसेट हो रहा है। कल अपने को निकलना है पूर्विक गुजरात के लिए। वाह वाह, पूर्विक से पूछेंगे केम छो मोटा भाई। भाई यहाँ पे अपन ने डिनर किया है, ये है आपके मुंबई पुणे पुराने वाले हाईवे पे जो कि ये रहा, बहुत जबरदस्त खाना। भाई टाइम चेक 3:11 और अपन एंटर करने वाले हैं पुणे वाली टनल्स में। ट्रक वालों को कौन समझाए, सब हाई स्पीड लेन को ब्लॉक करते हुए चल रहे हैं, साइड में दे नहीं पाएंगे। और यहाँ पुणे में वैसे ही छोटे मोटे पहाड़, ऊपर नीचे रोड है, इनसे चला ही नहीं जा रहा, सारा रास्ता जाम किया हुआ है। ऐसे ही ड्राइवर हैं यार ज्यादातर, बताओ इनका क्या मतलब है हाई स्पीड लेन में घुसने का। फिर लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ता है हमें, नहीं तो फंसे रहेंगे। खैर बस भाई पुणे सिटी आधी तो हो गई है क्रॉस, और 10-15 मिनट में पूरी सिटी क्रॉस कर जाएंगे और एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। बस फिर कोई भसड़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल क्लीन मिलेगा एकदम से। मुंबई यहाँ से दिखा रहा है लेफ्ट, भाई कर दिया है वेलकम अपने को, वेलकम टू यशवंत राव चौहान एक्सप्रेस वे। भाई चढ़ गए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ से आप देखो 43 किलोमीटर और टाइम है 38 मिनट्स, मतलब क्या जबरदस्त रोड होगा और एक्सप्रेसवे है भाई। 47 हो गया, यहाँ तो 100 की स्पीड लिमिट होगी आई थिंक। 47 हो गया, लोनावला ये लिखा 40 किलोमीटर, और यहाँ लेफ्ट में आती है सिम्बॉयसिस पुणे। अब खींचो गाड़ी मस्त बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे, मुंबई 131 किलोमीटर। अब तो भाई कोई पंगा ही नहीं है पुणे ने, लेकिन बहुत टाइम खा लिया यार, बहुत ट्रैफिक है पुणे में, जबकि एकदम बिल्कुल दोपहर के टाइम पे आए हैं, फिर भी इतना ट्रैफिक है पुणे में। अब अपने को नॉन स्टॉप लोनावला उतार देगा ये। ये गई ना सिम्बॉयसिस, ये गई सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है पीछे तक। अब कंटिन्यू करते हैं भाई अपना आज का ये लास्ट स्ट्रेच, और होटल में करते हैं सीधे चेक इन और फिर करेंगे रिलैक्स लोनावला में आज का अपना गंतव्य स्थान। अभी एक्सप्रेसवे के मजे लेते हैं ताबड़तोड़ ट्रिपल डिजिट स्पीड्स के। चलो हाँ जी भाई साहब, दिल्ली क्या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे क्या कर रहे हो तुम? कांटे वाला, चलो। चलो चढ़ जाओ भाई, एक स्ट्रेचिंग ब्रेक। चलते हैं, बहुत तेज स्पीड में जा रही है भाई गाड़ियां। पहुंच ही गए अब तो, बस गाड़ी का हाल देखो भाई साहब, गाड़ी का हाल, पैर रखने की जगह नहीं है कहीं। भाई इससे बड़ी कोई गाड़ी है, इससे बड़ा ब्रांड या वैल्यू या गाड़ी? इसका वीडियो मेरी फेवरेट पता है मुझे, तुम्हारी फेवरेट है, मेरी फेवरेट में से भी एक है भाई, टोयोटा लैंड क्रूजर। अलग ही टोरा है इस कार का, इस पे बड़े तगड़े व्यूज आते हैं भाई, लेकिन वही बात है, मानसून का टाइम है यहाँ पे आने का। इन पहाड़ों में से पता नहीं सैकड़ों वाटरफॉल निकलते होंगे, हर जगह से पानी गिरता होगा थोड़ा थोड़ा करके, जो फोटोज वीडियोज में देखा है हमने,
हाँ लैंड क्रूजर भी गिरती है उधर ऊपर, उस वाले पहाड़ से गिरती है लैंड क्रूजर। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ भी मतलब, इतने एक्साइटेड हो गए लैंड क्रूजर देख के। भाई हमारा कट लोनावला का, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं एक्सप्रेसवे पे, लोनावला खंडाला एग्जिट मुंबई सीधा, अपने को यहाँ उतरना है अब, और होटल अपना यहाँ से मात्र 3.5 किलोमीटर है। यहीं लेफ्ट में खाया था हमने खाना, यहाँ लेफ्ट में लास्ट ईयर जो अपन ने डिनर किया था वो ये लेफ्ट था, ये था कोंकण जायका था ना, बोरी हट, वो पीछे हट सी बनी हुई है। हाँ यहाँ चक्की मिलती है फेमस, चक्की चिक्की, जो चिक्की चक्की नहीं चिक्की, अरे कहना क्या चाहते हो, चिक्की मिलती है, हाँ चिक्की मिलती है गज्जक मतलब, यहाँ हाँ चक्की मूवी है वो भूतिया। लो भाई देख लो लोनावला की गलियां, पिछली बार लोनावला हाईवे पर रुक गए थे और सीधे निकल गए थे, इस बार थोड़ा सा अंदर होटल ले लिया है, शाम को चलेंगे चिक्की लेने। चक्की होते हैं, चक्की नहीं है भाई, चक्की तो भूत है, चिक्की लेने चलेंगे। नहीं चक्की। बढ़िया सा लग रहा है शहर वैसे लोनावला, वेदर भी 3-4 डिग्री कम है बाकी जगह से, 32 है फिलहाल। अब लोनावला की गलियां भी देख लो सारी, एक तो नाम इतना कॉम्प्लेक्स है, ओरियोले अमृता बुटीक होटल, ओरियो जैसा है, पता नहीं क्या नाम है भाई ये होटल है, ओरियोले। करते हैं चेक इन भाई, भाई ये प्रॉपर्टी है देखो, देख के तो सही लग रहा है, स्विमिंग पूल में चलेंगे यार, चेक इन तो करने दो। देखो यहाँ क्या डिजाइन बना हुआ है, कुछ लिखा है ट्रेवल ब्रिंग्स पावर इन लाइफ, सही कह रहा है भाई। ये देखने दो भाई 111 रूम तो देखने दो, साइज तो ठीक है रूम का, ओके है मतलब, पर प्राइस के हिसाब से ओके तो नहीं है, बाथरूम भी ठीक है, ओके 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 ओके, प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो कहाँ लेने चल रहे हो मुझे इतनी तेज, जैसे तुमने पहले देख लिया है सब कुछ होटल में, स्विमिंग पूल दिखा ना, इतने एक्साइटेड हो रहे हो स्विमिंग पूल के लिए, स्लाइड्स भी हैं, अरे हाँ इधर है भाई, सही है वैसे ये चीज तो होटल की। ये किड्स वाला है छोटा, अभी मत घुसो इसमें पानी कम है, इधर भी ज्यादा नहीं है पानी, हाँ जा सकते हो बड़े वाले में, ज्यादा नहीं है बाकी, ये बैठने का बनाया हुआ है डिनर वगैरह करने के लिए ओपन में, वो बॉल है हाँ पानी, उसकी हवा निकली हुई है, चलो आओ भी चलते हैं ऊपर। तो भाई फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है, और टाइम दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, बहुत अल्टीमेट ड्राइव रही, जो एक पार्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो है आपका कराड़ से कोल्हापुर तक, क्योंकि वहाँ हाईवे एक्सपेंशन का काम चल रहा है तो कराड़ में ट्रैफिक मिलता है, अदरवाइज भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक रूट है, आप अगर बाई रोड ये रूट करोगे ना भाई मज़ा आ जाएगा आपको, और खासकर मॉनसून में तो क्लास क्लास व्यूज मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स के, माउंटेन्स के अराउंड सारे रूट पे,
तो भाई फिलहाल अब कोई एजेंडा नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहीं रहेंगे। बच्चा पार्टी ऑलरेडी पूल में अटैक कर चुके हैं, तो मैं भी जाता हूँ नीचे, और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो शाम को दिखाएंगे, अदरवाइज बस पास में ही बढ़िया से ढाबे पे डिनर करने जाएंगे, चिक्की खरीद लेंगे, लोनावला की फेमस है। और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ तो इस वीडियो को भाई अभी एंड कर देंगे, और आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, वो होगी अपनी लोनावला टू अंकलेश्वर गुजरात, जहाँ कल हम स्टे करेंगे। बहुत अल्टीमेट ड्राइव होने वाली है, NH 48 हम लेंगे घर तक। मच लेटर। कहाँ पहुँच गए हम? श्री क्षेत्र श्री एक देव स्थान आ गया कोई। देखो कहाँ घूम रहे हो शाम को, लोनावला की गलियों में। अब लोनावला की भी आउटस्कर्ट्स आ गया, ये गलियाँ नहीं रही। आई एक दर्शन साठी मंदिर खड़ी चढ़ाई आ गई बिल्कुल एकदम से। अरे ये तो बहुत ही स्टीप है भाई, एसी बंद कर दो, सेकंड गियर में देखते हैं। अरे भाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है यार, ये तो बस में ही चढ़ेगी। किसको उतरने में उम्र आएगा, हवा लगेगी बढ़ेगी तो। बहुत खड़ी चढ़ाई है, मिलना है नहीं। केव बंद 5 बजे बंद हो जाती है भाई। कौन सी केव थी ये? कारला केव लिखा 7 है गूगल पर तो गलत है, लेकिन चढ़ाई देखो भाई, कारला केव भाई 5 बजे बंद हो जाती है, गूगल के भरोसे मत आना। गूगल कह रहा था 7 बजे तक खुली है, बट 5 बजे बंद हो जाती है, और 200-250 स्टेयर्स है तब ऊपर केव तक पहुंचोगे। हम तो आ गए अब कि यहाँ से व्यू देख लेंगे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, और कुछ नहीं, और देखने लग गया है व्यू, क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई आ गई है। अब यह सेकंड गियर में खींचता हूं, उतरने में मजा आएगा क्योंकि हवा लगेगी भगेगी तो है ना? नहीं है ना? हां भाई केव्स तो बंद है, बट यहां से ये व्यू है, देखो सनसेट हो रहा है। और सामने ये पूरा मेरे ख्याल में सारा लोनावला ही है। बाहर निकल गए थे? हाँ। बस गिर जाओगे, बस जाओ। सनसेट का टाइम अच्छा है आने के लिए, विटनेस करो सनसेट, बट हम थोड़ा सा लेट हैं, प्लस केस बंद है भाई। चलते हैं नीचे, ऐसे ही आ गए थे, 50 रुपए पार्किंग के दे दिए नीचे फालतू में, बट व्यू ठीक है, मतलब ओके, टाइम पास कर रहे हैं हम तो अपना, और कुछ नहीं। क्या बोला तूने? चलो उतरते हैं नीचे भाई। स्काई बहुत जबरदस्त लग रहा है, कुछ भी कहो, बहुत जबरदस्त कलर्स आ रहे हैं, मजेदार कलर्स दिख रहे हैं। हाँ, जोधपुर में पिंक कलर का स्काई देखा था हमने, सनसेट एट मेहरानगढ़ फोर्ट, मजेदार था वो तो, अलग लेवल था भाई वो। A few moments later. भाई यहाँ पे अपन ने डिनर किया है, ये है आपके मुंबई पुणे पुराने वाले हाईवे पे, जो कि ये रहा यहाँ पे प्योर वेज होटल जगत गुरु भाई, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत जबरदस्त खाना, भिंडी मसाला और दाल, तबाही भाई तबाही। हाईलाइट देख लो, फुल्ली पार्किंग है, जो स्पाइसी बनाई भाई, मज़ा आ गया खा के, भिंडी मसाला दाल कोल्हापुरी, ये होटल जगत गुरु। मम्मा की हालत खराब हो गई थी, इतनी स्पाइसी थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी भाई, यहाँ पे
बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है। ये तो होटल भी रुकने का है, इनके पास रूम्स भी हैं। पता करते हैं क्या रेट है। क्या खाओ खाना भाई, मजा आ जाएगा सीरियसली, और स्टाफ बहुत अच्छा। अब बस चलते हैं भाई अपने होटल होटल और चल के सोते हैं। कल अपने को निकलना है पूर्विक गुजरात के लिए। वाह वाह, पूर्विक से पूछेंगे केम छो मोटा भाई, याद है पिछले साल वाला डायलॉग, केम छो मोटा भाई। चलो भाई करते वीडियो को एंड, अब बस चलते हैं अपने होटल। रुक जाओ आने दो, चलते हैं फिर। चलो भाई सी यू, खत्म।